हेलो बच्चों, एनसीईआरटी मैथ कक्षा 9 अध्याय 4 में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे दो चरों वाले रैखिक समीकरण के बारे में। तो प्रश्नावली शुरू करने से पहले आइए जानते हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण आखिर होते क्या हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे समीकरण के बारे में कि समीकरण क्या होता है, समीकरण की पहचान क्या, उसके अंदर एक समता का निशान या बराबर का निशान अवश्य होगा। दूसरा, समीकरण के अंदर एक या एक से अधिक चर होंगे। अब बात करते हैं कि चर आखिर क्या होता है। चर वह राशि है जिसका मान बदलता रहे, कोई निश्चित मान ना हो, जैसे एक्स, वाई, जेड आदि। ये सब क्या है? चर राशि। इनके मान कुछ भी हो सकते हैं, बदलते रहते हैं, निश्चित मान नहीं है। अब बात करेंगे हम रैखिक समीकरण के बारे में कि रैखिक समीकरण आखिर क्या होते हैं। मैंने बताया समीकरण वो है जिसके अंदर समता का निशान और एक चर राशि या एक से अधिक चर राशि हो, वो समीकरण कहलाएगा। रैखिक समीकरण क्या होता है? रैखिक समीकरण एक ऐसा समीकरण है जिसमें चर की जो घात होती है, चर की जो पावर है, वो क्या हो? एक हो। चर की घात एक हो, उसे हम कहेंगे रैखिक समीकरण। जैसे उदाहरण के लिए x जमा 6 बराबर 0, तो ये एक रैखिक समीकरण है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर चर x है, उसकी घात एक है, x के ऊपर कोई घात नहीं है, तो उसको हम एक मानेंगे। अगर घात 2 होगी तो ऊपर 2 लिखा जाएगा, 3 होगी तो 3 लिखा जाएगा। यदि चर के ऊपर कोई घात नहीं लिखी हुई है तो एक माना जाएगा उसे। तो यहाँ पर x की घात एक है, इसलिए ये एक रैखिक समीकरण है। तो ये रैखिक समीकरण है एक चर वाला, क्योंकि इसके अंदर एक ही चर है, एक चर का रैखिक समीकरण है। बात करते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण की। मैं उदाहरण लेता हूँ, 2x जमा y बराबर 6। ये एक समीकरण है मेरे पास, 2x जमा y बराबर 6। ये एक दो चर वाला रैखिक समीकरण है। समीकरण इसलिए क्योंकि इसके अंदर समता का निशान है और इसके अंदर दो चर राशि हैं। रैखिक इसलिए है क्योंकि यहाँ पर x और y दोनों ही चर की घात एक एक है, तो रैखिक कहलाएगा। और यहाँ पर चर हैं वो दो हैं, एक चर x है और एक चर हमारे पास y है, दो चर हैं x और y, तो इसलिए इसे हम कहेंगे दो चर है एक्स और वाई, दो चर वाला रैखिक समीकरण। दो चर है इसलिए दो चर वाला, रैखिक इसलिए है क्योंकि एक्स और वाई दोनों ही चर की घात एक एक है, तो इसे हम पढ़ेंगे दो चर वाला रैखिक समीकरण। तो आपको शायद अच्छे समझ में आ गया होगा। अब प्रश्नावली 4.1, प्रश्न संख्या 1 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 1 को पढ़ते हैं। एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से दोगुनी है। इस कथन को निरूपित करने के लिए दो चरों वाला एक रैखिक समीकरण लिखिए। हमें यहाँ पर एक समीकरण लिखना है और वो भी दो चर वाला एक रैखिक। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि माना नोटबुक की कीमत, हम पहले नोटबुक की कीमत मानेंगे, उसको हमने मान लिया एक्स रुपये। ये माना नोटबुक की जो कीमत है वो एक्स रुपये है। फिर हमें कलम की माननी पड़ेगी कि माना कलम की कीमत बराबर है वाई रुपये, दोनों ही चर राशि हैं। अब कथन के अनुसार, कथनानुसार या कह सकते हैं प्रश्नानुसार क्या कहा गया, देखिए पढ़िए उसको। एक नोटबुक की कीमत वो है एक्स, एक कलम की कीमत से कलम की कीमत है वाई, कलम की कीमत से दोगुनी, यानी जो नोटबुक की कीमत एक्स है वो कलम की कीमत से दोगुनी है, तो वाई की दोगुनी, यानी वाई को 2 से गुणा कर देंगे। तो ये हमारा एक्स समीकरण बन जाएगा कि नोटबुक की कीमत जो एक्स माननी है वो बराबर है
कलम की कीमत जो वाई है उसकी दोगुनी। जो वाई हमने मानी है कलम की कीमत, तो एक्स बराबर हो जाएगा 2 वाई। इसको थोड़ा सा हल करेंगे, एक्स घटा 2 वाई बराबर 0। तो ये हो जाएगा हमारा दो चर वाला एक रैखिक समीकरण। प्रश्न संख्या 2 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 2 है, निम्नलिखित रैखिक समीकरणों को AX जमा BY जमा C बराबर 0 के रूप में व्यक्त कीजिए और प्रत्येक स्थिति में A, B और C का मान बताइए। तो यहाँ पर हमें समीकरण दिया हुआ है, उसे हमें पहले AX जमा BY जमा C के रूप में लिखना है। AX जमा BY जमा C क्या है? ये एक रैखिक समीकरण है दो चर वाला। दो चर वाले रैखिक समीकरण की एक यहाँ पर जो दिखा रखे है हमें, ये दो चर वाला एक रैखिक समीकरण है। तो हमें दिए गए समीकरण को उसके रूप में लिखना है और फिर हमें ए बी और सी का मान बताना है। तो पहला पार्ट है 2x जमा 3y बराबर 9.35, और 5 के ऊपर बार है, यानी कि इसको हम पढ़ेंगे 9.3555, यानी 5 हर बार रिपीट हो रहा है। तो इसको हम पहले लिखते हैं 2x जमा 3y, इसको इधर लेके आएंगे बराबर से, माइनस का हो जाएगा 9.35 बराबर, इधर बचेगा सिर्फ 0। तो इसको हमने लिख दिया AX जमा BY जमा C बराबर 0 के रूप में। अब हमें बी और सी के मान बताएंगे। तो इससे तुलना करने पर AX के साथ में जो है वो है A, यहाँ X के साथ में है 2, तो A का मान हो जाएगा 2। फिर जो Y के साथ है वो है B, यहाँ Y के साथ है 3, तो B बराबर हो जाएगा 3। फिर जो C है वो है बचा हुआ, जो बच गया वो क्या है C, तो यहाँ पर बचा हुआ है C के का मान होगा वो हो जाएगा -9.35। तो ये यहाँ पर पहला पार्ट कंप्लीट होता है। सेकंड है x-y/5-10=0। तो ये पहले ही AX जमा BY जमा C रूप में लिखा हुआ है, या इसको लिखना चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि x जमा फिर यहाँ पर है y, तो y हमारा हो जाएगा -1/5 y जमा c, और c है हमारा -10=0। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि x जमा -1/5 y जमा -10। तो यहाँ से तुलना करने पर a का मान हो जाएगा, जो x के साथ है, x के साथ में यहाँ पर 1 है, b हो जाएगा जो y के साथ है, y के साथ यहाँ पर है -1/5। फिर c जो बच गया वो क्या है, c जमा c, तो c हो जाएगा -10। पार्ट नंबर 3, -2x जमा 3y = 6। इसको ऐसे लिखेंगे -2x जमा 3y, 6 को इधर लेके आएंगे -6=0। तो ये हमारा हो गया AX जमा BY जमा C रूप में। तुलना करेंगे उससे तो A का मान हो जाएगा जो X के साथ में है। देखिए यहाँ पर हमारा A क्या है, A हमारा है X का गुणांक, यानी जो X के साथ में है, जो क्या है X के साथ है, एक्स के साथ में क्या ए, तो ए हमारा क्या जो एक्स के साथ, एक्स का गुणांक। बी हमारा है जो वाई के साथ है, यानी वाई वाई का गुणांक, और जो प्लस में लास्ट में बच गया वो क्या है सी। तो यहाँ पर हमारा ए हो जाएगा -2। फिर है बी, बी है जो वाई के साथ है, वाई के साथ है यहाँ पर प्लस का 3, और सी सी है जो यहाँ पर लास्ट में बच गया -6। देखिए यहाँ पर सी का मान है वो -6 होगा, जमा के 6 नहीं होगा, ये ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि
जो हमारा समीकरण है वो है ए एक्स जमा बी वाई जमा सी। उस समीकरण के अंदर जमा सी है, वहाँ माइनस सी नहीं है, तो जमा सी, तो वहाँ पर उसके तुलना करने पर सी का मान आएगा माइनस के 6। तो नेक्स्ट पार्ट है एक्स बराबर 3y, समझिए इसको, एक्स माइनस 3y को इधर लेके आएंगे, माइनस का 3y बराबर 0। अब ये जो समीकरण है दो चर वाला है, इस समीकरण के अंदर सी नहीं है, सी यानी जो कांस्टेंट है, सी का मतलब है स्थिरांक, वो यहाँ पर नहीं है, सी इसके अंदर नहीं है। तो हम इसको लिखेंगे एक्स माइनस 3y जमा सी, सी को हमने लिख लिया 0, क्योंकि इसके अंदर सी नहीं है तो सी को हम 0 लिख सकते हैं। अब तुलना करेंगे तो यहाँ से ए का मान हो जाएगा, जो एक्स के साथ में है, एक्स के साथ में है 1, बी बी है जो वाई के साथ है, वाई के साथ है माइनस 3, और सी हमारा जो कांस्टेंट है, सी है जो बच गया 0, तो हमारा सी हो जाएगा 0। तो ए का मान 1, बी का मान माइनस 3 और सी का मान 0। अगला पार्ट है 2x बराबर माइनस 5y, तो इसको हम लिखेंगे 2x, इसको इधर ले आएंगे, प्लस प्लस का हो जाएगा क्योंकि इधर माइनस का है, बराबर 0। इसको हम लिख सकते हैं 2x जमा 5y प्लस 0 बराबर 0, क्योंकि इसके अंदर भी सी नहीं है तो इसको मैंने 0 ले लिया। तुलना करने पर ए हो जाएगा जो एक्स के साथ में है 2, बी हो जाएगा जो वाई के साथ है, वाई का गुणांक 5, और सी हो जाएगा जो कांस्टेंट है, स्थिरांक है, जो लास्ट में बच गया 0। नेक्स्ट पार्ट है 3x जमा 2 बराबर 0, इसको हम लिखेंगे 3x जमा, अब यहाँ पर y नहीं है, y चर नहीं है यहाँ पर, तो इसको हम लिखेंगे 0y जमा 2 बराबर 0। इस समीकरण के अंदर x चर है, y नहीं है, तो y को हम लिख लिया 0 गुणा y, लिख सकते हैं 0 गुणा y 0 ही आएगा। तो तुलना करने पर a हो जाएगा जो x के साथ में है 3, b होगा जो y का गुणांक y के साथ है 0, और c लास्ट में स्थिरांक 2। तो ये तीनों की वैल्यू हो जाएगी। नेक्स्ट पार्ट है y माइनस 2 बराबर 0, इसको हम लिखेंगे, यहाँ पर x नहीं है, इसको हम लिख सकते हैं 0 गुणा x जमा y माइनस 2 बराबर 0। तुलना करेंगे ए एक्स जमा बी वाई जमा सी, हमारा जो समीकरण था दे रखा था वो था ए एक्स जमा बी वाई जमा सी बराबर 0। तो हमने इसको इस रूप में व्यक्त कर दिया। अब हमें ए बी और सी के मान बताने हैं, तो तुलना करेंगे दोनों की, तो यहाँ से तुलना करने पर ए का मान क्या होगा जो एक्स के साथ है 0, बी बी का मान है जो वाई के साथ है, वाई का गुणांक वाई के साथ कितना है यहाँ पर, कुछ नहीं यानी 1 है, फिर सी सी यानी कि जो बच गया लास्ट में, यहाँ पर सी माइनस 2 है, न कि 2, क्योंकि यहाँ पर प्लस सी, समीकरण हमारा उसके जो है उसके अंदर है सी की वैल्यू प्लस में है, प्लस सी यानी जो यहाँ पर आएगा वो प्लस में होगा, तो जो प्लस में नहीं है तो उसकी वैल्यू माइनस मानी जाएगी, तो यहाँ प्लस सी है तो यहाँ पर सी का मान माइनस 2 होगा, अगर यहाँ पर मान प्लस का है तो प्लस आएगा सी का मान, और यहाँ पे अगर मान माइनस में है तो सी का मान माइनस में आएगा, ये ध्यान रखना है। इसके बाद है नेक्स्ट पार्ट 5 बराबर 2x, इसको हम लिख सकते हैं, 5 को उधर लेके जाएंगे 2x 5 उधर जाएगा घटा के 5 बराबर 0, हम 5 को उधर लेके गए 2x घटा 5 इधर बच जाएगा 0, 2x माइनस 5 बराबर 0, इसको हम लिखेंगे 2x जमा, अब यहाँ पर y चर नहीं है तो y को लिख सकते हैं 0 गुणा y माइनस 5 बराबर 0। तुलना करेंगे a बराबर जो x के साथ में है 2, b b है जो y के साथ में है 0, और c है हमारा माइनस 5। तो हमारी प्रश्नावली यहाँ समाप्त होती है।
उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छे समझ में आया होगा। धन्यवाद।